नमस्कार दोस्तों, 2022 के अंदर यदि आप मनाली घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आज YT भारत पर मैं दिवाली ऑफर के तहत आपके लिए एक ऐसा टूर पैकेज लेकर के आ गया हूं जिसकी वैलिडिटी केवल रहने वाली है 15 दिसंबर 2022 तक। आप इसे बुक करवा सकते हैं और हो करके आ सकते हैं हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन, जहाँ पे हर साल लाखों करोड़ों ट्रेवलर्स घूमने के लिए जाते हैं। खास करके हनीमून कपल्स के लिए ये सबसे बेस्ट हिल स्टेशंस में से एक है। इस पैकेज के प्राइस बहुत ही कम रखे गए हैं। यदि आपकी पॉकेट बहुत ही कम अलाउड कर रही है आपको, तो आप इस पैकेज को बुक करवा सकते हैं और हो करके आ सकते हैं अपने सपनों में दिखने वाले हिल स्टेशंस को घूम करके इसी साल 2022 के अंदर। दोस्तों, आप इस पैकेज में कवर करेंगे कुल्लू और मनाली। इस पैकेज के तहत एक कपल के रेट्स हमने बताए हैं। यदि आप एक से ज्यादा कपल आपके साथ हैं तो इस पैकेज के रेट्स और ज्यादा कम हो जाएंगे। उसके लिए आपको एक ही काम करना है, वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ट्रेवल कंपनी का नंबर दे दिया है, जाकर के कॉल करिए, जानकारी हासिल करिए। कॉल ना लगे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। सारी जानकारी हासिल करने के बाद जल्दी से जल्दी बुकिंग कराइए और हो करके आइए कुल्लू और मनाली। आइए दोस्तों, बताते हैं आपको, अगर आप हनीमून पैकेज के लेकर के जा रहे हैं तो आपके हनीमून स्पेशल इंक्लूजन के अंदर 1 कैंडल लाइट डिनर होगा, फ्लावर बेड डेकोरेशन होगा, हॉट केसर बादाम मिल्क होगा, हनीमून केक होगा और वेलकम ड्रिंक ऑन अराइवल जो नॉन अल्कोहलिक होती है वो आपको दी जाएगी। दोस्तों, ये रेट्स आपको स्पेशली प्रोवाइड करे जा रहे हैं क्योंकि आप YT भारत के सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को मत गवाइए, इसको जल्दी से जल्दी आप बुक करवा लीजिए। दोस्तों, इस पैकेज की जो टोटल ड्यूरेशन है वो होती है 5 नाइट्स 6 डेज के लिए, लेकिन 3 नाइट्स आप होटल में रुकते हैं मनाली के और 2 नाइट आपकी वॉल्वो में बीतती है। आइए अब डे वाइज आइटनरी बताना स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आप दिल्ली से चल करके किस दिन आप मनाली पहुंचेंगे और किस दिन आप घूमेंगे और कैसे आप वापस आएंगे। सब कुछ आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि यदि आप देश के किसी भी कोने से आ रहे हैं, चाहे मुंबई से आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं, कर्नाटक से आ रहे हैं, यूपी में किसी जगह से आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको दिल्ली ही पहुंचना होगा। दिल्ली से पहुंचिए या चंडीगढ़ से आप इस वॉल्वो बस को पिकअप करिए, आपके लिए इससे अच्छा और कोई रूट नहीं हो सकता है। कहीं से भी मनाली की बस नहीं चलती है, केवल दिल्ली और चंडीगढ़ से चलती है, यही रूट होता है आने और जाने के लिए। दिल्ली से मनाली की दूरी लगभग 550 किलोमीटर के आसपास 11 से 12 घंटे कवर करती है और यदि आप स्नोफॉल के दिनों में जा रहे हैं तो यह घंटे 12 से 15 में कन्वर्ट हो सकते हैं क्योंकि जबरदस्त बर्फबारी बीच में होती है। लेकिन अभी बर्फबारी का मौसम जस्ट स्टार्ट होने वाला है, सुहावना मौसम बना हुआ है, सबसे आइडियल टाइम है जब आप पूरे मनाली को, जो मैंने आप इस आइटनरी बताऊंगा, अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी रुकावट के। आइए दोस्तों, सबसे पहले आप दिल्ली पहुंचिए, देश के किसी भी कोने से आ रहे हैं या दिल्ली NCR में रहते हैं, दिल्ली आपको पहुंचना होगा न्यू दिल्ली के पास बने हुए आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन या मजनू का टीला, जो दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास है। लगभग 5:30 बजे के आसपास आपको यह बस मिलेगी जो आपको लेकर के जाएगी सीधे मनाली के बहुत ही सुहावने सफर पर। रास्ता भी इतना जबरदस्त है, जब आप दिल्ली से चलते हैं करनाल बाईपास से होते हुए सोनीपत, पानीपत, अंबाला, चंडीगढ़, उसके बाद मंडी, उसके बाद कुल्लू, देन आप पहुंचते हैं मनाली। नेक्स्ट डे पहुंचते हैं आप डे टू में। नेक्स्ट डे जब आप पहुंचते हैं तो लगभग आपकी बस जो है 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में आपको मनाली पहुंचाती है। मनाली के प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड पर आपको पहुंचाया जाता है और वहां से आपको आपकी जो टैक्सी है, जो इसी पैकेज में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी, मनाली के प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड से लेकर के होटल और वापस लौटते समय आपको होटल से वापस मनाली के प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड तक छोड़ेगी। तो दोस्तों, इस सुविधा के लिए आपको क्या करना है, जब आप लगभग कुल्लू के अंदर पहुंच जाएं तो आपको एक टैक्सी ड्राइवर का नंबर दिया जाएगा जब आप पैकेज बुक करवाएंगे। उस टैक्सी ड्राइवर पर आप कॉल करिए, वो आपको एक टेंटेटिव टाइम बता देगा, जब आप कुल्लू होंगे तो आप कब तक पहुंच सकते हैं,
उसी टाइम पर उसी नंबर पर आप कॉल करिए जब वॉल्वो बस से उतर जाएं। आपको वॉल्वो बस स्टैंड के जस्ट वो बाहर मिलेगा गेट पर, आपको पिकअप करेगा और आपके होटल तक लेकर के जाएगा। होटल में लगभग आप पहुंच जाएंगे चेक इन के टाइम पर 11 से 12 के बीच में। यदि आप उससे पहले पहुंच जाएं तो रूम अगर अवेलेबल हैं तो आपको दे दिए जाएंगे, और अगर रूम नहीं है तो आपको थोड़ा सा समय वेट करना होगा, तब तक आप फ्रेश हो जाइए और फ्रेश होने के बाद आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। दोस्तों आपका जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, डिनर आपका बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, तो आपको मज़ा आने वाला है पूरा इस ट्रिप पर। इस दिन क्या करना होगा, चेक इन करने के बाद होटल में आप थोड़ा सा आराम फरमाइए, आप फ्रेश हो जाइए ब्रेकफास्ट करके। उसके बाद आपका लगभग 3 बजे के आसपास लोकल साइट सींग स्टार्ट हो जाएगा, या तो 12 बजे आप ले सकते हैं या 3 बजे, वो कोऑर्डिनेशन होगा आपके अपने ड्राइवर से, वही आपको रोज घुमाएगा, वही आपको लेकर के होटल में ड्रॉप करेगा, सब कुछ उसी के हाथ में होगा आपको सारा कुछ घुमाना। तो दोस्तों इस दिन आप जब मनाली के लोकल साइट सींग करेंगे तो आप क्लब हाउस जाएंगे, आप जाएंगे वन विहार, तिब्बतन मोनेस्ट्री, तिब्बतन टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल। वशिष्ठ टेम्पल के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको हॉट स्प्रिंग मिलेगा, हॉट स्प्रिंग का पूल मिलेगा, लेडीज के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है। आप यहाँ पर आराम से नहा सकते हैं, बाथिंग कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं भगवान के, और दर्शन करने के बाद आपको वापस होटल में ड्रॉप कर दिया जाएगा। अगर आप ड्राइवर से बात कर लें तो आपको माल रोड पर ड्रॉप कर दिया जाएगा। माल रोड को आप खुद एक्सप्लोर करिए, वहाँ के लोकल फूड्स को ट्राई करिए, छोटे छोटे रसगुल्ले होते हैं वहाँ पर आप खा सकते हैं। माल रोड पर जो बस का स्टैंड है उसके पास आपके मोमोज की दुकानें हैं, वहाँ पर आप लोकल फूड को ट्राई करिए, मोमोज को एंजॉय करिए। फैमिली फ्रेंड्स के लिए कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं, खुद के लिए करना चाहते हैं तो माल रोड एक आइडियल डेस्टिनेशन है। हालांकि थोड़ा सा दिल्ली से महंगा सामान मिलेगा, लेकिन एक यादगार होती है हर हिल स्टेशन की, उसको आप अपने साथ संजो करके ले जा सकते हैं। इसके बाद आपको मैं ले चलता हूँ डे 3 पर। डे 3 आपका होगा मनाली से सोलांग वैली, आप इस दिन जाएंगे। लगभग 15 किलोमीटर की ये यात्रा होगी और लगभग आपका लग सकता है आधा घंटे से लेकर के 45 मिनट के आसपास आपका लगभग लगभग लग जाता है मनाली से सोलांग वैली के लिए। दोस्तों सोलांग वैली को हम लोग स्नोफॉल के दिनों में स्नो वैली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्नोफॉल का नज़ारा होता है बिल्कुल मंत्रमुग्ध करने वाला होता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आइडियल डेस्टिनेशन है अगर आप विंटर स्पोर्ट्स को यहाँ पर इंजॉय करना चाहते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं, पैराशूटिंग कर सकते हैं, मोटर बाइकिंग कर सकते हैं, इसके साथ साथ टायर स्लिपिंग राइड होती है वो कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग आपकी हो ही गई, रोपवे आपको करने को मिल जाएगा। ये सब एक्टिविटी आपको अपनी ऑन कॉस्ट पर करनी होगी। फोटोग्राफ कई लोग पूछते हैं तो फोटोग्राफ भी क्लिक करवाने का वहाँ पर ऑप्शन है, 100 रुपये के आसपास आपसे लेता है और आधे घंटे में आपको फोटोग्राफ मिल जाएगा। आपको चाय का वहाँ पर अरेंजमेंट मिलेगा जो आपको ऑन कॉस्ट पर होगा। आपको वहाँ पर खाने पीने की लगभग सारी सुविधाएँ मिल जाएंगी, तो आप आराम से वहाँ पर घूम फिर सकते हैं। पूरा दिन का ये टूर होने वाला है सुबह से लेकर के शाम तक, और वापस सब कुछ घूमने फिरने के बाद आप वापस अपने होटल में आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। डिनर करिए और खूबसूरत यादों के साथ आप अपने डे 3 को कंप्लीट कर लेंगे। अगले दिन सुबह सुबह उठिए, ये भी ज़बरदस्त आपका एक्साइटिंग एडवेंचर वाला दिन हो सकता है। लगभग मनाली से कुल्लू नागर आपका 45 किलोमीटर की जर्नी होती है, तो इसमें आप क्या करिए, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करिए अपने होटल के अंदर। ब्रेकफास्ट करने के बाद ड्राइवर आपको कॉल करेगा, उसके बाद आप रेडी हो जाइए सारा सामान लेकर के और वापस आप निकलिए, कुल्लू घूमिए। कुल्लू में आप घूम सकते हैं, कुल्लू शॉल फैक्ट्री जा सकते हैं, नागर के अंदर आप नागर कैसल जा सकते हैं, ये सब आप घूमिए। इसके बाद आपको 2 चीज़ें होती हैं वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। आप कुल्लू के अंदर पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, आप कुल्लू के अंदर रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं अपनी ऑन कॉस्ट पर। दोस्तों यहाँ पर जो कुल्लू के अंदर रिवर राफ्टिंग होती है वो ऋषिकेश के रिवर राफ्टिंग से अलग होती है। ऋषिकेश में आपको खुद पैडल मारने को मिल जाता है, लेकिन कुल्लू के अंदर आपको रिवर राफ्टिंग जो है वहाँ के ड्राइवर्स करवाते हैं। आपको बस बोट में बैठना होता है सेफ्टी के साथ और वो आपको खुद करवाते हैं वो, लेकिन बहुत ज़बरदस्त नज़ारा होता है और पानी का लेवल तो अभी अच्छा खासा बना हुआ है, तो आपको आनंद आएगा, मज़ा आएगा अपनी ऑन कॉस्ट पे। आप चाहे रिवर राफ्टिंग करिए, आप चाहे पैराग्लाइडिंग करिए, इसके लिए आप अपने ड्राइवर से जानकारी बना करके संपर्क करिए, वो आपको ले जाएगा आइडियल डेस्टिनेशन पे। थोड़ा सा बार्गेनिंग अगर हो सकती है तो वो भी ट्राई कर लीजिएगा और बुक करवा करके पूरे दिन आप आराम करिए, घूम फिर करके आइए होटल में। पूरे दिन का टूर कंप्लीट करने के बाद और ब्रेक डिनर करने के बाद आप आराम फरमाइए अपने होटल के अंदर। दोस्तों डे 5 आपका स्टार्ट हो रहा है।
डे 5 आपका दिन है जब मनाली के ये सारी यादें संजो करके आप वापस आने वाले हैं। लगभग 12 बजे के आसपास आपका चेकआउट हो जाएगा। आपको मैं एक सिंपल सा काम बताता हूँ क्या करिए इस दिन को और यादगार बनाने के लिए। सुबह ब्रेकफास्ट करिए, सामान एक दिन पहले ही रात को पैक कर लीजिए और लगभग 9-10 बजे के बीच में होटल से आप चेकआउट मार लीजिए और लगेज को अपने लगेज रूम में जो है रख दीजिए रिसेप्शन पर। उसके बाद आप अपनी ऑन कॉस्ट पे माल रोड तक आ सकते हैं। अगर वॉक इन है तो माल रोड पर आप खुद पैदल आ जाइए, नहीं तो थोड़ा सा दूर है तो थोड़ा सा आसपास के नज़ारों को आप लेते हुए बाहर आइए। बहुत सुंदर नज़ारे होते हैं, आसपास आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा। माल रोड पहुंचिए, माल रोड पर आप शॉपिंग करिए या कुछ खा पी सकते हैं, इंजॉय करिए आसपास के नेचुरल ब्यूटी को। वहाँ पे कई बार कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सब घूमने फिरने के बाद लगभग आप 3 बजे के आसपास कोशिश करिए वहाँ से निकल जाइए और हद से हद 4-3.5 बजे के आसपास तक आप होटल में पहुँच जाइए। उसके बाद ड्राइवर से संपर्क करिए, ड्राइवर आपको आपके वॉल्वो बस स्टैंड तक आपका सामान पिकअप करके ड्रॉप कर देगा। वॉल्वो बस स्टैंड पर पहुँचने के बाद लगभग 5 बजे के आसपास आपकी बस 4 से 5 के बीच में आपकी बस होगी रिटर्निंग की। आप सुबह आप दिल्ली पहुँच जाएंगे 6 से 7 बजे के बीच में। चंडीगढ़ ड्रॉप पा चाहते हैं तो चंडीगढ़ उतर जाइएगा और दिल्ली अगर चाहते हैं तो दिल्ली आप उतर सकते हैं। ये भी आपका मजनू का टीला पर आपका ड्रॉप होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका डे कंप्लीट हो गया है। डे 6 पर आप दिल्ली या चंडीगढ़ उतर जाएंगे और ये स्वीट मेमोरीज के साथ आपका टूर कंप्लीट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इस पैकेज की कॉस्ट के बारे में, जो बहुत ही नॉमिनल है। लगभग जो हम 2021 के अंदर जो आप लोगों से रेट ले रहे थे, वही 2022 के अंदर ये जो ट्रैवल कंपनी आपसे ले रही है। हालांकि 1000 रुपये हर ट्रैवल कंपनी ने बढ़ा दिया है, लेकिन ये केवल 13,500 रुपये में आपको पैकेज दे रहे हैं दिवाली ऑफर के अंतर्गत। दोस्तों देर ना करें, इस दिवाली ऑफर के अंदर अंदर आप बुकिंग को करा लें। इसके लिए 3-स्टार डिलक्स होटल आपको दिए जा रहे हैं। आप 13,500 रुपये में एक कपल के अंदर 2 लोग होते हैं, ध्यान रखिएगा, हस्बैंड और वाइफ या 2 फ्रेंड भी हो सकते हैं। द मनाली लॉज में आप रुक सकते हैं, मनाली रिट्रीट में रुक सकते हैं, कंट्री कॉटेज, आरती विला होटल, राजहंस होटल, होटल प्रेसिडेंट या इससे सिमिलर। दोस्तों थोड़ा सा आपकी पॉकेट ज़्यादा अलाउ करती है, हालांकि 13,500 ही बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन पॉकेट आकर अगर अलाउ कर रही है तो लग्जरी में रुक सकते हैं। 14,990 रुपये के अंदर आप सुपर डिलक्स होटल को बुक करा सकते हैं, जिसमें मनाली व्यू रिजॉर्ट है, मरखी पैलेस होटल है, द रायडा विला है, फाल्गुनी एजेंसी मनाली है, मोनार्क रिजेंसी है, गोल्डन एप्पल होटल है। इसमें से कोई सा भी जो भी अवेलेबल होगा वो आप ट्रैवल कंपनी से संपर्क करिए। इसका नंबर मैंने वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ध्यान करिए, जाके कॉल करिए या व्हाट्सअप करिए, जानकारी हासिल करिए और उस पैकेज को बुक करवा लीजिए। अब दोस्तों अगर आप बिल्कुल सुपर लग्जरी चाहते हैं, 4-स्टार होटल चाहते हैं आप, तो आप इसको बुक करा लीजिए। और अपने एक्सपीरियंस को एनहांस करना चाहते हैं, आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, तो 4-स्टार लग्जरी होटल में रुकिए। ग्रैंड क्रिशा रिजॉर्ट, सन पार्क रिजॉर्ट या विस्लिंग पाइन रिजॉर्ट या स्पा, रोहतांग हाइट, ग्रास रिजॉर्ट, इसमें आप रुक सकते हैं। तो इसको आप बहुत ही मेमोरी को यादगार अपनी बना सकते हैं जब आप मनाली घूमने आते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पैकेज में क्या क्या इंक्लूजन है। 2 आपको लग्जरी AC सेमी स्लीपर वॉल्वो बस टिकट मिल रही है दिल्ली से मनाली, वापस मनाली से दिल्ली या आप जाएंगे। पिकअप एंड ड्रॉप आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट जब आप मनाली पहुंचते हैं, तो मनाली से होटल तक आपको पहुंचाएगा और वापस आते समय होटल से पिकअप करके मनाली वॉल्वो बस स्टैंड तक आपको पहुंचाया जाएगा। 3 नाइट का एकोमोडेशन मिलेगा आपका, जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। वेलकम ड्रिंक ऑन अराइवल मिलेगा, नॉन अल्कोहलिक। 3 डे मॉर्निंग टी मिलेगी, 3 ब्रेकफास्ट मिलेंगे, 3 डिनर मिलेंगे। लोग पूछते हैं कैसा होगा, तो बुफे सिस्टम होता है, उसके थ्रू आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। 1 कैंडल लाइट डिनर मिलेगा, 10% डिस्काउंट ऑन लॉन्ड्री मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री जो भी रिक्रेशनल फैसिलिटीज होंगी होटल के अंदर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो मिलेगा। अगर डिस्को थिक है तो फ्री एंट्री मिलेगी डिस्को थिक में। 1 डे का हाफ डे का लोकल साइट सींग टूर मिलेगा प्राइवेट कार से। तो दोस्तों ध्यान रखिए, बिल्कुल प्राइवेट कार है, कोई शेयरिंग कार नहीं है, जबरदस्त आपका एक्सपीरियंस होने वाला है। 1 फुल डे का साइट सींग मिलेगा कुल्लू नागर का प्राइवेट कार से। 1 फुल डे का साइट सींग टूर मिलेगा सोलांग वैली से बाय प्राइवेट कार से। दोस्तों अब एक सवाल आता है कि कुल्लू और नागर के टूर के साथ साथ यदि आप इसमें राफ्टिंग भी कर लेते हैं या पैराग्लाइडिंग कर लेते हैं, एक ऑप्शन कर लेते हैं, तो आपका ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि मैं जाता हूं तो हर बार करके आता हूं, बड़ा ही मज़ेदार सफ़र रहता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि जो लग्जरी वॉल्वो बस फैसिलिटी होंगी उसमें आपको जो बस होती है वो सेमी स्लीपर होती है, आराम से आप बहुत ही कंफर्टेबल कुशंस के साथ सीट्स होती हैं, आराम से आपकी यात्रा पूरे दिन की बीतेगी। बाकी
इस पैकेज को बुक कराने के लिए देर ना करें, जल्दी से जल्दी इस पैकेज को बुक करवा लें और होकर के आएं हिमाचल प्रदेश और देश के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली में बहुत ही कम रेट्स के अंदर। अगर आप एक नॉन हनीमून पर जा रहे हैं तो आपके लगभग 1000 रुपये इस पैकेज की कॉस्ट में कम हो जाएंगे। अर्थात इसका मतलब ये है कि अगर आप 13,500 का हनीमून पैकेज ले रहे हैं तो 12,500 के आसपास पड़ जाएगा, वैसे ही आपका ये 13,990 पड़ जाएगा और ये 18,999 रुपये पड़ जाएगा। तो आपका लगभग 1000 रुपये के आसपास अगर आप नॉन हनीमून पैकेज लेकर के जा रहे हैं वो आपका पड़ जाएगा। एक चीज मैंने आपको जो बताई ये कॉस्ट वन कपल की है, अगर आपके साथ दो कपल हैं मतलब दो हस्बैंड वाइफ आप लोग जा रहे हैं तो इस टूर पैकेज की कॉस्ट और भी अच्छी कम होने वाली है, और अगर तीन कपल हैं तो और कम हो जाएगी, या ग्रुप में आप जा रहे हैं पूरे फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप जा रहे हैं बड़े ग्रुप में जा रहे हैं 6, 8, 10, 12 तो और कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए आप वीडियो के टाइटल डिस्क्रिप्शन में दिए गए ट्रैवल कंपनी को संपर्क करिए, जल्दी से जल्दी पैकेज को बुक कराइए और हो करके आइए अपने सपनों के डेस्टिनेशन पर। YT भारत को बिना सब्सक्राइब करें ना जाएं। 600 से ज्यादा मेरे वीडियोस को देखने के लिए जो इंडिया और इंटरनेशनल के आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें। वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो थम्स अप कर दें, बने रहें YT भारत पर। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।